अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल गल्फ नॉलेज YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आप सब कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। साथियों आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों दुबई के बारे में, मतलब यूएई के बारे में। यूएई के किसी भी शहर में आप रहते हो, शारजा में हो, दुबई में हो, अबू धाबी में, किसी भी शहर में दोस्तों उस बारे में बताऊँ, वीज़ा के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप यूएई के किसी भी शहर, दुबई, शारजा या कहीं भी आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। आपको फिलहाल दोस्तों वहाँ पर अभी विजिट वीज़ा दिया जा रहा है सभी को, ये बात आपको ही पता होगी, सभी को पता होगा। तो विजिट वीज़ा दोनों वहाँ पर देना स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे लोग मेरे कंपनी से जा भी रहे हैं। तो दोस्तों यदि आप विजिट वीज़ा लेकर वहाँ पर दुबई जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। वहाँ पर आपको जाकर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या वर्क वीज़ा में आपको वहाँ पर चेंज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी खबर साथियों, धीरे धीरे बहुत सारे गल्फ कंट्रियों में धीरे धीरे स्टार्ट भी किया जा रहा है, तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है। अब दोस्तों दूसरी खबर वहाँ से, वहाँ यूएई से ये आ रही है दोस्तों, बता दो पूरी दुनिया में वहाँ कल के दिन दोस्तों रैंकिंग किया गया था पासपोर्ट का। तो दोस्तों बता दो पूरी दुनिया में 193 देशों को पासपोर्ट को शामिल किया गया, जिनमें से दोस्तों यूएई का आया है 14वां नंबर, यानी दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे 14 नंबर पर सबसे मजबूत पासपोर्ट में दोस्तों यूएई का गिनती आया है। तो साथियों ये हो गई दूसरी खबर। तीसरी खबर दोस्तों ये है, यदि दोस्तों आप एक कुछ मेरे भाइयों का सवाल था दोस्तों, बहुत सारे भाई का सवाल कर रहे थे, भाई मुझे विजिट वीज़ा में भेजा जा रहा है दुबई, क्या मैं जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यदि आपको कोई भी एजेंट के थ्रू या कंपनी के थ्रू यदि आप विजिट वीज़ा में वहाँ पर जा रहे हैं तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा चेंज हो रहा है, पर दोस्तों आप उसी कंपनी पर भरोसा करें जो भरोसे के लायक हो। यदि दोस्तों वो कंपनी आपको भरोसे के लायक नहीं हो, ऐसा ना हो कि वहाँ आपको वहाँ पर भेज दे, आपका सारा पैसा ले ले, आपको विजिट वीज़ा दे के और वहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आपके साथ धोखाधड़ी करे। तो दोस्तों ऐसे लोगों पर आप विश्वास नहीं कीजिएगा। यदि हाँ आपके यदि भरोसे के लोग हैं, यदि भरोसेमंद है, तो आप उन पर भरोसा करके आप वहाँ से उनके साथ जा सकते हैं, वहाँ पे आपको वर्क वीज़ा में या फिर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में आपको चेंज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट थी साथियों, मैंने तो आप तक शेयर करना जरूरी है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी, वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग इसकी जानकारी हो सके। मेरे साथ